हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम बहुत दिनों के बाद ड्राइंग के चैप्टर को देखने वाले हैं, तो चलिए आज हम ड्राइंग के चैप्टर को देख लेते हैं। और बहुत दिनों के बाद क्लास मैंने ली है, तो देखते हैं कि ड्राइंग को कैसे समझते हैं। और ये जो ड्राइंग है वो CNC में आपको काम आएगी, जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो या वहाँ पे काम करते हो, तो उसको किस तरीके से मेज़र करना है, क्या करना है, सब तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले आपको दिख रहा होगा एक आइसोमेट्रिक व्यू, है ना। यहाँ पे आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो व्यू है, ये जैसे कि जब जॉब बन जाता है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि इसमें क्या क्या आप इसको देख सकते हो, तो ये फ्रंट व्यू है ना। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल लेंथ इसकी आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 30। और ये जो टोटल है वो 30 mm है ना, ठीक है। ठीक है, आप समझ गए होगे टोटल लेंथ के बारे में, ठीक है। ओके, और अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो हमारी चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है मतलब कि इसकी विड्थ कितनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चौड़ाई कह सकते हो, लेकिन अगर आप जाते हो CNC मशीन में तो उसको आप चौड़ाई नहीं कहोगे। वहाँ पे अगर जैसे कि कोई भी चीज़, तो वो समतल तो होगी नहीं, है ना। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं होगी, जो भी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, कुछ गोलाकार टाइप की होगी, है ना। तो जो चीज़ गोल होती है उसको आप चौड़ाई से नहीं दिखा सकते हो। तो अगर मैं बात कर लूँ इसके डायमीटर की, तो ये क्या है हमारा 18 का डायमीटर है, मतलब कि उसकी जो टोटल गोलाई है ना, देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये इसका जो कितना है वो 18 का है। ओके, ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम डायमीटर तो देख लिए, अब अंदर की चीज़ों को हम आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईडी। जैसे कि देखो, आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ पे चीज़ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम आईडी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, हल्का सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह जो आईडी है हमारी कितनी की है, 13, मतलब कि 13 डायमीटर की अंदर की आईडी है। और ये जो आप देख पा रहे होगे, पहले बात तो ये 13 की आईडी हो गई, मतलब कि इंटरनल इंटरनल डाया। ओके, ये आप समझ गए होंगे आईडी के बारे में। और अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, M12 × 1 × 25, है ना, M12 × 1.25। ये क्या चीज़ है? M मतलब होता है कि मेजर डाया क्या है। ओके, मेजर डाया 12 का है, और × 1.25 की जो है हमारी पिच है। पिच मतलब जैसे कि नट होता है, नट बोल्ट अगर आप मान लो, तो इसमें थ्रेडिंग कितने की होने वाली है, ये जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे कि इस तरीके से कुछ होगा, है ना। तो जो ये जो चीज़ है, ये तीन चीज़ें हैं, तो ये कितनी पतली होगी या कितनी मोटी होगी इसके बारे में बात होती है। तो इसको हम पिच बोलते हैं, 1 × 25 की पिच हो गई। ओके, तो आप ये समझ के हो गए। दूसरी बात अगर मैं देख लूँ कि इसका ग्रू कितना है, अगर हम ग्रू के बारे में बात करें तो ग्रू के अंदर के बारे में बात होती है, ठीक है। तो ग्रू अगर पूछा जाता है कि अंदर का ग्रू कितना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो इसको इसके अंदर ग्रू होता है ना, जहाँ पे भी थ्रेडिंग होगी उसके अंदर ग्रू तो होता ही होता है ना। तो देखो, अगर मैं ग्रू की बात कर लूँ तो ग्रू जो हमारा वो कितना है, 7, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से आई हुई है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन,
सेम, एक सेकेंड, ये तो हमारा, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। यहाँ पे अगर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु हमारा क्या है, वो है हमारा गुरु के बारे में चेक कर लीजिए तो गुरु जो हमारा है वो, ये तो हमारा क्या हो गया, गुरु के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बट मैं बताता हूँ आपको। हाँ समझ में आ गया। देखिए जो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई थी, ये जो 13 है ये हमारा गुरु है और ये जो 7 है वो हमारा क्या है, आईडी है। ओके, मतलब कि अंदर का डाया। अब अंदर वर्णी डाल के चेक करोगे तो वो 7 का आएगा, डाल वर्णी से चेक करना पड़ेगा, एक आता है। और एक ये जो 13 है मतलब 13 है वो हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के इसका डायमीटर है। तो आईडी कितनी है 7 और ग्रुप कितना है 13, टोटल लेंथ कितनी है 30 और ऊपर की जो डायमीटर है वो 18 है। कितने की थ्रेडिंग होने वाली है, m12 × 1 × 5 की। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होगे, तो इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ चैम्फर है, इसमें कोई आपको ज़रूरी नहीं है आपको समझना, अगर आप समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है 3.5 और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है 3.5, सेम है। उसके बाद फिर अगर मैं बात कर लूँ कि थ्रेडिंग से लेकर के ऊपर तक की जो लेंथ है वो 9.5 है, इसमें -0.3 का टॉलरेंस है। मतलब अगर 0.3 के टॉलरेंस के बारे में बात करें तो टॉलरेंस को हम कभी और सीख लेंगे, -0.3 का टॉलरेंस है ये आप समझ जाइए। और नीचे कुछ डायमीटर दिए हुए हैं 15 का, तो ये 15 क्या चीज़ है, ये 15 जो है हमारा ये इसका डायमीटर है ना, ये 15 इसका डायमीटर हो गया मतलब ऊपर का। जैसे कि यहाँ से लेकर के 15 डायमीटर है, उसके फिर अंदर से लेकर के ये जो चीज़ है जो गुरु है वो 13 का है। ओके, और अगर मैं बात कर लूँ पूरे की, यहाँ से देखो आप सही से, अगर आप देखोगे ये जो 15 क्या है, तो 15 जो हमारा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और ये जो इतने टोटल है वो हमारा क्या है, 18, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है ना यहाँ पर। ओके, तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद इस तरीके से ड्राइंग को पढ़ा जाता है। आई थिंक आपको ये ड्राइंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको ड्राइंग अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, तो मैं उसको बताऊँगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्राइंग में हम अगली ड्राइंग में मिलते हैं, अगली नेक्स्ट ड्राइव में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू दोस्तों।